very good morning. Dear students, in UKG class, today we will start our work in math subject. In math subject, today we will do addition. Addition means jod. मतलब two numbers को ये two digit number को जोड़ करके new number हमें find out करना है. So how we will do? Today I am going to explain you. You will also follow the same rules and the instruction whatever that given by me. And you will also add the numbers which I will send you work. Here students, addition means jodna. Now you can see the first question I have written here. You can see there are three star pictures are there and next two star pictures are there. So aapko kaise count karna hai? Pehle aapko dekhna hai ki first, kyunki addition ka jo mark hota hai wo plus is tarah ka hota hai, one standing line and one will be sleeping line. So this is the mark of addition. Agar koi bhi hum किसी भी नंबर को अगर हमें ऐड करना है, अगर इस तरह से ये प्लस का जहाँ पे साइन होता है, मार्क होता है, वो क्या रहेगा? एडिशन रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, इसकी स्टार की, लेकिन इसके बीच में प्लस का मार्क है, इसका मार्क है प्लस का। मीन्स हमें ये करना है, ऐड करना है। मीन्स हमें टोटल ये कितने स्टार से इसे हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट हमें इस प्लस से पहले जो स्टार्स दिए हुए उनको काउंट करना है। क्या करना है? काउंट करना है ना। हम काउंट करते हैं, हाउ मेनी स्टार्स बिफोर प्लस साइन, वन टू थ्री, हाउ मेनी? थ्री। कितने स्टार है? थ्री स्टार्स है। वी कैन राइट ये नंबर डाउन में जो कॉलम दे रहे हैं उसमें हम नंबर लिखेंगे कि ये कितने स्टार है? थ्री स्टार है। नाउ आफ्टर प्लस, प्लस के बाद में कितने स्टार है? वन टू, हाउ मेनी? टू। So I wrote here number 2. मैंने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा? 2 नंबर लिखा। अब हमें क्या करना है? टोटल स्टार्स को क्या करना है? टोटल स्टार्स को काउंट करना है। कैसे करेंगे? कंटिन्यू वी विल काउंट। हाउ? 1 2 3 4 5, हाउ मेनी? 5। टोटल हाउ मेनी स्टार्स आ गए? टोटल स्टार्स 5, हाउ मेनी? 5। इसी को एक दूसरा तरीका ये होता है कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है? 3। सो वी कैन ड्रॉ 3 लाइंस आल्सो एंड देयर वी कैन ड्रॉ 2 लाइंस आल्सो एंड वी कैन ऐड टोटल 1 2 3 4 एंड 5। टोटल हाउ मेनी? 5। टोटल हाउ मेनी? 5। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड द क्वेश्चन बी। इसमें आप देख सकते हैं फिशेस आर देयर। मैंने किसकी पिक्चर बनाई है? फिश की पिक्चर बनी है। हाउ मेनी फिशेस आर देयर? दैट वी विल काउंट एंड राइट द नंबर। फर्स्ट वी विल काउंट बिफोर प्लस साइन। हाउ मेनी फिशेस आर देयर? 1 2। हाउ मेनी? 2। आफ्टर प्लस? 1 2। हाउ मेनी? 2। सो आई रोट द नंबर हियर। नाउ टोटल आई विल काउंट 1 2 3 4। मींस I can draw line also because two number are there, so I do get two lines and here also two line. So now I will count total 1 2 3 4, and with picture also we can count the same 1 2 3 4. Total how many? Total how many pieces are there? 4. How many? 4 pieces are there. Now the next ducks, which pictures are there? Ducks pictures. Now we will count before plus. Plus sign के पहले कितने ducks हैं? 1 2 3 4. How many? 4. अब identify करने के लिए I am writing here number also 4. Now after plus 1 2 3. How many ducks are there? 3 ducks are there. So now we will count the total 1 2 3 4 5 6 7. How many? 7. Which number we will write here? 7 number. What number we will write here? 7 number. So like that we solve. Look pictures जब होते हैं तो pictures के साथ में किस तरह से हम solve कर सकते हैं? ये इसका process है जो हमने complete किया। अब number के साथ में, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन जो भेजे जाएंगे वो विद नंबर के साथ में होंगे, तो नंबर जो दिए रहेंगे आपको लाइन ड्रॉ करके उसको टोटल काउंट करके उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज नंबर 3। व्हाट इज दिस
साइन ऑफ एडिशन, ये किसका मार्क है, एडिशन का, मतलब हमें ये क्या करना है, इन दोनों नंबर को ऐड करना है. हाउ विल वी ऐड, दिस इज नंबर 3, वी विल ड्रॉ हियर लाइंस 3. हाउ मेनी लाइंस वी विल ड्रॉ हियर, 3 लाइंस. अब नेक्स्ट हाउ मेनी नंबर्स, 4, 1 2 3 4, 4 लाइंस मैंने ये भी ड्रॉ कर दिया है. अब हमें टोटल सिंस को क्या करना है, काउंट करना है, हमारी काउंटिंग कंटिन्यू रहेगी. हाउ, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हाउ मेनी, 7. टोटल नंबर कितने हो गए, 7. तो मैंने यहाँ पे कौन सा नंबर लिख लिया है, 7 नंबर लिख लिया है. इस तरह से होता है विद लाइन, इस हमें लाइंस को ड्रॉ करके इस तरह से एडिशन हमें कंप्लीट करना होता है, ये इसका वे है. नाउ अदर क्वेश्चन, दिस इज नंबर 5. व्हाट इज दिस नंबर, 5 नंबर. और डाउन नंबर कितने हैं, 3 नंबर्स है. दिस इज 5, दिस इज 3. नाउ वी विल ऐड कंटिन्यू. यहां पे हम 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5. यू कैन री काउंट आल्सो, 1 2 3 4 5. क्योंकि हमें कंफर्म करना है कि एग्जिट हमने 5 लाइंस ही ड्रॉ की है या नहीं है, तो इसको री कंफर्म करने के लिए अगेन वी कैन काउंट एंड वी कैन कंफर्म दैट. नाउ यू कैन सी द डाउन नंबर 3, हाउ मेनी, 3. सो we will draw in lines 3, 1 2 3. How many lines are there, 3 lines, so 3 number 3 lines, 5 number 5 lines. Ab isko hame total add karna hai, inko hame sari lines ko kya karna hai, continue count karna hai, is tarah se 1 2 3 4 5 6 7 8, total how many, 8. Which number we will write here, 8 नंबर. कौन से नंबर हम लिखेंगे, 8 नंबर. इसी तरीके से अगर आपको ये जो सारे नंबर आ रहे थे ये वंस फॉर्म में ही आ रहे थे, अगर कैश में भी आते हैं तो किस तरीके से करने होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर क्या है, 7. व्हाट इज दिस नंबर, 7 नंबर. नाउ यू कैन सी डाउन आल्सो, ये कितने नंबर है, 5 नंबर है. अब इन दोनों नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है. तो हमें कंफर्म करना है नंबर कि ये नंबर इनकी जो प्लेस वैल्यू है क्या है, 1 है. इसका मतलब क्या होता है, 1s, क्योंकि ये 1 और 9 के बीच में ही आते हैं. और जैसे ही इसके पास में कोई भी नंबर हो, जैसे कि 0 नंबर, अगर इसके पास में 1 आ गया तो ये 2 डिजिट हो गए. कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट. तो ये तो 1s रहेगा और ये क्या रहेगा, 10s रहेगा. इसके पास में अगर एक नंबर आ गया है तो वो क्या रहेगा, 10s. तो ये नंबर तो 1s है, लेकिन जब इसको हम टोटल करेंगे तो वो नंबर हमें कौन से फाइंड आउट हो जाएंगे, 10s नंबर फाइंड आउट हो जाएंगे. मींस इसकी जो प्लेस वैल्यू है एक नंबर की वो बढ़ जाएगी. तो हम ये दोनों नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. अब जो नंबर दे रहे हैं वो क्या है, 7 है. यहाँ पे मैं 7 लाइंस ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7. री कंफर्म, 1 2 3 4 5 6 7. हाउ मेनी लाइंस, 7 लाइंस. डाउन यू कैन सी द नंबर 5. आई विल ड्रॉ द लाइंस 5, 1 2 3 4 5. री कंफर्म द लाइंस, 1 2 3 4 5. अब ऊपर 7 लाइंस मैंने ड्रॉ की है और नीचे 5 लाइंस ड्रॉ की है. अब इसको हमें टोटल काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल हाउ मेनी, 12. मींस हाउ विल वी राइट द नंबर 12, दिस इज 1s नंबर एंड दिस इज 10s नंबर. तो ये कौन सा नंबर हो गया, 12 नंबर. इसका आंसर क्या हो गया, 12 मिल हमें फाइंड आउट हो गया. अब इसमें जो 2 है वो क्या है, 1s है, और 1 क्या है, 10s है. मींस 10s का मतलब होता है 10, 10s का मतलब होता है 10, और 1s का मतलब होता है जितने ही नंबर होते हैं वो. तो ये 1s नंबर कितने हैं, ये हो गया 1s नंबर और ये हो गया 10s नंबर. तो 1s नंबर कितने हैं, 2 है. 10s नंबर कितने हैं, 10 है. तो 10 + 2 कितने हो जाते हैं,
जिनको आपको सॉल्व करना है।